आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कुर्ते की नाप किस तरह से लिया जाता है। एक कुर्ता रखा हुआ है, इसका नाप मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करते हैं, यहाँ पर लंबाई की ही नाप ले लेते हैं। देखिए कुर्ते को इंच को यहाँ पर रखेंगे, जो हमारा जेब पॉइंट होता है लेकिन जहाँ पर क्लियर जुड़ा होता है, इस पॉइंट को यहाँ से रखेंगे। रखने के बाद में जेब को फुल लेंगे। देखिए इनके कुर्ते की लेंथ है, लेंथ है यहाँ पर 36 इंच। 36 इंच कुर्ते की लेंथ है। अब इसके बाद में अब देखिए इनका मोल यहाँ पे कितना आएगा। इनका मोल यहाँ पे आएगा क्या 8 इंच पर। तो कुर्ते इनकी लेंथ है 36 इंच और मोल इनका है 8 इंच। यहाँ पर देखिए आपको लिखा होगा जेब पॉइंट हमारा जो है, जेब पॉइंट है कमर का। यहाँ पर जेब लगी होती है, फिर थोड़ा सा अंदर तक लचीला होता है। लेकिन जेब पॉइंट हमारा कितना है, यहाँ पर जेब पॉइंट हमारा आ रहा है, वो आ रहा है 13.5 इंच पर। तो जब हम कटिंग करेंगे यहाँ पर इसको रखेंगे 14 इंच पर, 4 इंच हमारे ऊपर सिलाई में चला जाएगा। फिर आरमोल जब कटिंग करेंगे तो आरमोल रखेंगे इतने हम 8.5 इंच का, तो यहाँ पर आरमोल 8 इंच फिट आ जाएगा। हिप की देखिए मार्जिन, हिप इनकी हिप होती है यहाँ पर, ये डाउन पॉइंट होता है यहाँ पर, हिप की मार्जिन होती है। हिप इनकी है 23.5 इंच, हिप को हम लेंगे लेंगे 24 इंच। आप लोगों को दिख रहा होगा इस मेजरमेंट के हिसाब से इसकी लेंथ, आरमोल, कमर, हिप की मार्किंग करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए चेस्ट की मार्किंग किस तरीके से करते हैं। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए इंच टेप को यहाँ पर से इसको मिलाएंगे, तो रस्सी में कंघी लगी होती है यहाँ पर से पकड़ेंगे और यहाँ पर रखेंगे। देखिए चेस्ट इनकी जो आ रही है यहाँ पर आ रही है 8.5 इंच, यानी कि चेस्ट इनकी है वो है 37 इंच। 37 इंच के चेस्ट की मार्किंग करेंगे। आप लोग वही समझ में आ जाओ, देखिए यहाँ पर कटिंग करेंगे किस तरीके से करेंगे। 18 इंच की मार्किंग यहाँ पर है। इसके बाद में जेब को यहाँ से पकड़िए, पकड़ने के बाद में इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर 18 इंच को यहाँ से इससे मिला दीजिए। अब ये भाग जो होगा हमारा इतना पॉइंट, ये हमारा आ रहा है 9.25 इंच। तो यहाँ पर इतनी ही हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। ये हमारा माप होगा, ये चौथाई भाग हो गया, यानी कि आधा भाग ये हो गया, आधा भाग पीछे का पूरा भाग हो गया, उसके बाद में ये भाग हो गया जो हो गया चौथाई भाग। यहाँ पर कमर की नाप, कमर की नाप यहाँ पर से रखेंगे। आप लोग देख रहा होगा यहाँ पर कमर की नाप लेंगे, तो कमर की देखिए 17 इंच आ रही है, कमर इनकी है वो 34 इंच, यानी कि 34 इंच। इसका भी चौथाई भाग करेंगे। इसके बाद में देखिए हिप की मार्किंग, देखिए हिप इनकी है यहाँ पर 18.5 इंच, यानी कि हिप यहाँ पर 18.5 इंच। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दामन कितना इनका है, दामन है यहाँ पर 19.5 इंच, 19.5 दामन है। तो इसका भी हम लोग जो है आधा करके इसकी मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर गला देखिए गला किस तरीके से नापते हैं, स्टेप को यहाँ से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में गले को घुमा के ले जाएंगे यहाँ से। देखिए गला इनका है तो यहाँ पर 15 इंच। तरीके से गले को नाप लेते हैं। अरे तबजिया देखिए यहाँ पर इसे बोलते हैं ताबीज़ बनता जो है। देखिए इसकी मार्किंग किस तरीके से लेते हैं, इसको यहाँ पर से पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद में देखिए ताबीज़ इनके 10 इंच पे आ रही है। यहाँ पर हम लोग जब कटिंग करेंगे, हम लोग यहाँ पर तकरीबन 11.5 इंच पर, क्योंकि थोड़ा सा हमारे सिलाई भी यहाँ पर चला जाएगा और थोड़ा सिलाई भी यहाँ पर चला जाता है। तो 10 इंच की तबजिया हमारी तैयार बन के तकरीबन आ जाती है। ये 11 इंच करते तब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, ये अपने पसंद के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए जेब की मार्किंग किस तरीके से करते हैं। देखिए ये जेब की मार्क होती है, जेब की मार्क इसमें लगी है, तो यहाँ पर रखी जेब की मार्क है पूरे 6.5 इंच। रखिएगा जेब हमेशा 6.5 इंच ही रखी जाती है, चाहे जेब कैसे भी बने। उसके बाद नीचे का ये पॉइंट जो होता है, यहाँ पर जेब पॉइंट जाकर यहाँ पर हिप बनती है, ये होता है पूरे 3 इंच का। अब इसके बाद इनकी लंबाई की मार्किंग करेंगे, इंच टेप को यहाँ पर पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में यहाँ पर से लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो देखिए इनकी असिंग की लेंथ जो आ रही है यहाँ पे आ रही है पूरे 22 इंच, इनकी असिंग की लेंथ 22 इंच रख लेंगे। और इसमें इसे कटिंग का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। इस तरीके हम लोग कुर्ते की कटिंग करते हैं।